नमस्कार संसार ग्रीन में स्वागतम। दोस्तों मई के गर्म महीने में आप कौन से फूल लगा सकते हैं, यह जानकारी लेकर हम आपके सामने हैं। हमें यकीन है अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो अब कर लीजिए। कुमुद, कुमुदिनी या वाटर लिली, यह खूबसूरत फूल पानी में लगते हैं। देखने में कमल जैसा है पर यह कमल नहीं है। इसके कई रंग लाल, गुलाबी, पीला, सफेद, नीला आदि होते हैं। इन्हें बीजों से लगाया जाता है। इनके फूल और पत्ते दोनों ही पानी पर तैरते रहते हैं। आप इन्हें बाथटब में या ऐसी ही कोई व्यवस्था कर अपने घर में भी लगा सकते हैं। आपके गार्डन को एक रिच एंड एलिगेंट लुक मिलेगा। लाजवंती या छुई मुई, इन्हें किसमी नॉट या टच मी नॉट भी कहा जाता है और यह अपने खूबसूरत नन्हे फूलों के लिए नहीं बल्कि अपनी संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी के लिए जाना जाता है। इनके फूल गुलाबी, पीले या बैंगनी रंगों के होते हैं। इन्हें बीजों से लगाया जाता है। हैंगिंग पॉट में या ग्राउंड कवर के रूप में यह अच्छे दिखते हैं। छूते ही इसका पौधा खुद को सिकोड़ लेता है और कुछ ही देर में वापस पहले जैसा हो जाता है। यह पौधा जरूर लगाइए, आपका दिल भी यह बहलाएगा। चंद्रमल्ली या मीराबिलिस, इन फूलों को 4 o'clock या संझा फूल भी कहते हैं। फूल बहुत सारे रंगों के होते हैं जैसे सफेद, गुलाबी, लाल, पीला, नारंगी आदि। इन फूलों को बीजों से लगाया जाता है। इनके फूल शाम के समय खिलते हैं और एक दिन में ही मुरझा जाते हैं पर रोजाना ढेरों फूल खिलते रहते हैं। फूल बड़े होते हैं और खूबसूरत होते हैं जिनमें बहुत हल्की खुशबू भी होती है। सदाफूली या विंका मेजर, यह फूल नीले, सफेद या बैंगनी रंग के होते हैं। रंगों में इनमें आपको ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी। इन्हें बीजों से लगाया जाता है। पत्ते इनके मिर्ची के पत्तों जैसे दिखते हैं और यह क्लाइंबर जैसा नाजुक सा पौधा है। ग्राउंड कवर के रूप में इस्तेमाल होता है क्योंकि पूरी गर्मी और बरसात इनमें ढेरों फूल आते रहते हैं और यह बहुत तेजी से बढ़ता है। गर्मियों के स्नैप ड्रैगन, इनके फूल बहुत ही आकर्षक और अमूमन हर रंग के होते हैं जैसे गुलाबी, लाल, नारंगी आदि। आप इन्हें बीजों से लगा सकते हैं। आप इनके नाम या रंग रूप से कतई धोखा ना खाएं, यह स्नैप ड्रैगन नहीं है। स्नैप ड्रैगन जाड़े में खिलते हैं जबकि गर्मियों के स्नैप ड्रैगन गर्मी में खिलते हैं। समर स्नैप ड्रैगन का पौधा स्नैप ड्रैगन से थोड़ा छोटा होता है। दोनों ही पौधों की जीनस भी अलग अलग होती है। आप अगर सही बीज खरीद पाएं तो आपको ढेरों फूल देखने के लिए मिलेंगे। तो बीज खरीदते समय ध्यान रखें कि समर स्नैप ड्रैगन के ही बीज आपको अभी लगाने हैं। धतूरा या डैटूरा, यह सोलनेसी कुल का पौधा है और इसे थॉर्न एप्पल के भी नाम से जाना जाता है। फूलों का रंग सफेद, पीला, नारंगी या बैंगनी होता है। यह बीज से उगने वाले पौधे हैं। इनके बीज मादक होते हैं इसीलिए आप इनके फलों को अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखें। फूल काफ़ी बड़े, ट्रम्पेट सेपेड और खूबसूरत होते हैं। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का प्रियतम यानी सबसे प्यारा फूल माना गया है। जरबेरा, यह गर्मियों के बहुत खास फूल है। कट फ्लावर के रूप में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित फूलों में से हैं। इनके फूल आपको लगभग हर रंग के मिल जाएंगे जैसे गुलाबी, सफ़ेद, पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी आदि। इन फूलों को बीजों से लगाया जाता है। फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि एक बार खिलने के बाद जल्दी मुरझाते नहीं हैं। सूरजमुखी या सूर्यमुखी, फूलों का रंग पीला या नारंगी होता है
आमतौर पर इनके रंग में आपको ज्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी, पर आकार में काफी वेरिएशन मिल जाएंगे। छोटे और बड़े सभी तरह के फूल मिलेंगे आपको। ये पौधे बीज से उगते हैं। छोटे आकार वाली सूरजमुखी एक ही पौधे में ढेर सारे फूलों के साथ होंगी, जबकि बड़े आकार की सूरजमुखी एक पौधे पर 2 से 3 फूल ही आएंगे। जैसे जैसे आसमान में सूरज अपनी दिशा बदलता है, यह फूल अपनी दिशा बदलते हैं और इसीलिए सूरजमुखी कहलाते हैं। यीशु का ताज या यूफोर्बिया मिली, यह कैक्टस की एक वैरायटी है। फूलों का रंग लाल, गुलाबी, पीला या सफेद होता है। इन फूलों को कटिंग से लगाया जाता है। इनमें कांटेदार डालियों पर ढेर सारे फूल आते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यह कैक्टस है तो हीट टॉलरेंट भी हैं। आप इन्हें गर्मियों में लगाइए, गर्मी से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, खूब खिलते हैं। सदाबहार या पेरीविंकल, यह फूल अपने नाम की ही तरह सदाबहार है। फूल लगभग आपको हर रंग में मिल जाएंगे, जैसे लाल, गुलाबी, सफेद, मरून, नारंगी आदि। इन्हें काले छोटे बीजों से लगाया जाता है। गर्मी का इन पर कोई असर नहीं होता है और यह खूब खिलते हैं। इन्हें किसी विशेष देखभाल की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये केयरफ्री प्लांट्स भी कहलाते हैं। कब कौन सा फूल लगाना है, यह जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। आप बस हमसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहिए। बाय बाय।